मैं एशिया टेलीकॉम का 88 अगस्त 2023 का बैच का लड़का हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मेरा पास एक काम आया है Redmi 9 Power का, जो दूसरा शॉप से छिड़ा हुआ था। इधर दिखाई छिड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो APD IC है वो YouTube में देख कर वो हटा कर PF हटा कर शेर इतना घटा हुआ मेरा पास आया। फिर इधर आया मेरा पास CPU, हमने ब्लैक पेस्टेड था फुल, ऐसे देखो उसको ब्लैक पेस्ट काटिंग किया, UFS भी रिवॉल्व करके काटिंग किया करके लगाया। फिर अभी मैं CPU इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ करो यहाँ पर जो मदरबोर्ड है बहुत घटा हुआ था। तो फिर मैंने पूरा डायग्नोस करके APD IC का जो वोल्टेज है वो निकाल के हम CPU को रिबल करके सेट को अभी ऑन करके दिखा रहा है। अभी एशिया टेलीकॉम में मैं उधर से आकर, पहले से मेरा CPU का काम करने नहीं आता, फिर उधर से आकर मैं CPU का काम शुरू किया। अभी बहुत अच्छी तरह से CPU MMC का काम मैं अभी शॉप में करता हूँ। और दूसरा जो दुकान है वो दुकानदार भी मेरा पास आता है सेट बनाने के लिए। तो जिसका एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना है वेस्ट बंगाल से, वो निर्भर से जा सकता है, ठीक है। और पूरा गारंटी मेरा है, जो उसका जाकर उसका जो वहाँ पर जो नॉलेज किसी को कम मिलेगा तो पूरा गारंटी मेरा है। उस वहाँ पर जाकर बहुत नॉलेज है, वहाँ पर जो देव सर है उसका तो नॉलेज बहुत अच्छा है, इतना नॉलेज है वो जितना मर्जी, जैसे समुद्र का पानी होता है जितना मर्जी उठा कर ले आ सकते हो आप जाकर। तो वहाँ पर दुर्गेश सर है सॉफ्टवेयर के लिए, मिलन सर है इंडिया का टॉप नंबर 1 MMC, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जिसका वहाँ पर जाना चाहिए वो जा सकता है, ठीक है। अभी मैं सेट ऑन करके
ऑन करके दिखा रहा है अभी लाइव, अभी सेट चालू हो जाएगा। ऐसे जो दूसरा सबसे छिड़ा हुआ काज जो सीपीएमसी अच्छी तरह करने नहीं आता, ये सब लोग उस जो मोबाइल है मेरा पास आता है बनाने के लिए, ठीक है अभी सेट चालू हो जाएगा। इधर देखो, मेरा तो उधर जाके मेरे को बहुत नॉलेज मिला और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है अभी फुल नॉलेज के साथ। जो पेड लाइन है जो पहले कुछ आता नहीं, और सबसे बड़ा चीज है जो डर है अंदर, वो तो वहां पर जाकर खत्म हो गया। कोई की मदरबोर्ड का देखकर डर लगता था, हो तो होगा नहीं होगा। अभी तो कस्टमर आया दुकान में तो अभी चार्जिंग पिन चेंज करने जैसे हम तो सीपीयू कर रहे हैं लाइव। अभी इधर देखो सेट चालू हो गया। और मेरा पास और एक सेट है जो ईएमसी किया हुआ है, इधर देखो ईएमसी खराब था जो नोकिया का था, नोकिया का था जो जिसका मार्केट में कोई डाम फाइल नहीं है नोकिया 4.2 का, और कोई ईएमसी चेंज वाला फाइल नहीं है। तो मैंने मिलन सर जो जिसका नॉलेज मैंने वहाँ पर सीखा एशिया टेलीकॉम में जबलपुर वाला, तो उस नॉलेज में मैं ईएमसी चेंज करके सेट को ऑन किया। इधर देखो मैं सैमसंग वाला ईएमसी लगाया, नोकिया 4.2 का सेट है, मैं लाइव चालू करके ये भी देखा रहा है।